डिप्लोमा डाला, इसमें एक सही है, लिखने का तरीका एक सही है, कहने का मतलब ये जनरली बच्चों को लिरिक्स को आते हैं लिखने बच्चे आपको फिर देखने में सही, लेकिन उसका एक लिखने का एक नियम होता है। कोई मुझे बताएंगे कि अगर मुझे किलो वाट आवर को लिखना है तो इसमें ये देखिए कैपिटल के बनाए हैं कि ये स्मॉल है, स्मॉल है कैपिटल, अंदर तो कर पा रहे हैं मेरा कैपिटल स्मॉल अंदर कर पा रहे हैं ये सारे कैपिटल हैं, इसमें एक कैपिटल है वो स्मॉल है, इसमें तीनों स्मॉल है, इसमें बीच वाला स्मॉल है, बाकी ये सही कौन सा हाँ बताएंगे दूसरा वाला सही है तीन हो गया, पहले दो था तीन हो गया। अच्छा आपको यूनिट देखने का छूट बना है नहीं तो आप जो है रिटर्न खेल रहे हैं नियम होता है, नियम पता है अगर आपको नियम पता है तो ठीक है, अगर नियम नहीं पता है तो नियम ठीक है। आपने मुझे लग रहा है कि शायद जो बताया कि पहला उन्होंने पहले मुझसे बोला था कि दूसरा होता है, तो मुझे लगा कि शायद इनको नियम पता है, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं सर तीसरा है तो मुझे नहीं पता है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है लेकिन यूनिट लिखने का नियम ये होता है कि यूनिट जब भी लिखी जाती है स्मॉल लिखी जाती है, जैसे आप सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये सेंटीमीटर ऐसे लिखा जाएगा, जब भी आप मीटर लिखेंगे तो मीटर ऐसे लिखा जाएगा, किलोग्राम लिखेंगे तो किलोग्राम ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन इसमें डब्ल्यू कैपिटल है उसमें एक नियम ये भी है कि अगर किसी साइंटिस्ट का नेम आ जाएगा तो कैपिटल तो वाट जो साइंटिस्ट का नेम है इसलिए जो डब्ल्यू हो गया वो कैपिटल हो गया, जब भी न्यूटन आएगा तो न्यूटन में न्यूटन मीटर स्क्वायर में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में न्यूटन बड़ा रहेगा, तो नाम यह है कि जितने भी नाम हो गए ना उनके सब स्मॉल रहेंगे ऑलवेज, बट अगर यूनिट साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है तो वो चेक कर रहेगा राइट आंसर जो होगा वो किलो वाट के बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने मतलब हम यूज करते हैं लिखते भी हैं लेकिन उसका नियम हम नहीं पता है ना, तो हमें यहाँ पर ट्रेनिंग में आपस में एक दूसरे के साथ वही चीजें शेयर करनी है, उन्हीं चीजों को फाइंड करना है जिससे हम बच्चे को सही चीजें बता पाएंगे।